Hi friends, welcome to my channel और मैं हूँ ऐश्वर्या. आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर वेरी क्विक एंड सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स. ये सेम मेकअप मैं अपने कॉलेज डेज में भी करती थी, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विथ यू. एंड बाय द वे, आई हैवंट यूज एनी फाउंडेशन और कंसीलर फॉर दिस ट्यूटोरियल. आपको सिर्फ पाउंड्स बेबी क्रीम का यूज़ करना है. दिस इज गोइंग टू बी लाइक रियली अफोर्डेबल मेकअप ट्यूटोरियल, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखें. ओके, सो मैं मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने स्किन के ऊपर सीरम लगाने वाली हूँ. अगर आपके पास सीरम नहीं है तो मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो. ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है कि आप सीरम ही यूज़ करें. एंड बाय द वे, यहाँ पर जो मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ ये एवन का मेरिकल ग्लो फेशियल ऑयल है. और आप जब भी मेकअप करो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करें. ओके, सो मैं अभी बीबी क्रीम लगाने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल ऑफ इट ऑन टू माई हैंड, देन आई एम गोइंग टू मिक्स इट, देन आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑल ओवर ऑन माई फेस. उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं पूरा बीबी क्रीम को ब्लेंड कर लेने वाली हूँ. अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, आप अपने फिंगर से भी उसे ब्लेंड कर सकते हो. जो भी बचा कुचा बीबी क्रीम है मेरे हाथ के ऊपर, मैं उसे अपने अंडर आई पर लगाने वाली हूँ. बेसिकली ये कंसीलर का काम करने वाला है. इसे लगाने के बाद आपको थोड़ी देर तक, आई मीन लाइक एक दो मिनट तक रहने देना है, देन उसके बाद इसे ब्लेंड कर लेना है. एंड आई एम ऑल्सो अप्लाइंग ऑन दी हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस ताकि हाईलाइटेड का इल्यूजन आए. एक दो मिनट के बाद इसे मैं फिर से ब्लेंड कर लेने वाली हूँ. ओके, सो ब्लेंड करने के बाद आई एम गोइंग टू सेट दिस. और इसे सेट करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ ब्लू हेवन का ट्रांसलूसेंट पाउडर. ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. और अगर आपके पास ट्रांसलूसेंट पाउडर नहीं है तो आप कोई भी कॉम्पैक्ट या नॉर्मल पाउडर भी यूज़ कर सकते हो. Now I'm going to highlight my skin. This is my favorite part and this is optional, and I'm using Maybelline ka Master Chrome highlighter. So yeah, I am going to apply the highlighter on the highest points of my face. Then I am going to blend it with the beauty blender taki ye thoda subtle lage so that it looks natural on the skin. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई काजल. और यहाँ पर मैं एवन का काजल यूज़ कर रही हूँ. ट्रस्ट मी, दिस इज़ लाइक रियली अमेजिंग. दिस इज़ लाइक जस्ट फॉर 200 आई गेस. और इसका जो काजल है, आई लव इट. इट्स लाइक यू नो, दिस इज़ मोर कंपेरेबली लाइक द लॉरियल का 36 आवर जेल लाइनर. काजल लगाने के बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई मस्कारा. और उसके लिए आई एम यूजिंग मेबेलिन का हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा. एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई अपर eyelashes and lower eyelashes. मैं अपने कॉलेज के डेज में बहुत बोल्ड काजल लगाती थी. अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखना है, मैंने उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है. आई लीव द लिंक फॉर दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. उसके बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई लिपस्टिक. और लिपस्टिक के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ टू शेड्स हियर. द फर्स्ट शेड आई एम यूजिंग ओवर हियर इज़ लैक्मे एनरिच लिप क्रॉन का सिनेमन ब्राउन. एंड उसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ ब्लू हेवन का नॉन ट्रांसफर लिप कलर इन द शेड पंख मरून. मुझे ये दोनों शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज ये एक नेचुरल लुक देता है लिप्स के ऊपर, सो आई लाइक इट अ लॉट. आई क्विकली वेंट एंड चेंज माई ड्रेस बिकॉज थंबनेल सही नहीं आ रहा था, तो इसीलिए आई हैड टू चेंज माई ड्रेस. वेल, दैट्स इट फॉर दिस मेकअप ट्यूटोरियल. आई रियली होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग. इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करें. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना. इट वुड लिटरली रियली मीन अ लॉट टू मी. सो आई सी यू इन माई अनदर वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.